अपनी भरमा वैगन की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि इससे पहले आपने कभी नहीं खाई होगी। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ले लेने इस तरीके से छोटे छोटे बैगन। तो पहले ये वाला पार्ट हम कट कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम इस तरीके से चार पीस इसके कर लेंगे। पूरी तरीके से नहीं करना है और इसको देख लेना है कि कहीं हमारा बैगन खराब तो नहीं है और पका हुआ तो नहीं है। अगर आप चाहें तो इसके इस तरीके से ही पूंछ भी हटा सकते हैं, पर मैं इसी तरीके से रहने दूंगी। तो अपने सारे बैगन काट लूंगी। मैंने 1 किलो बैगन लिए और इनको पानी में जरूर रखना है। तो ये ले लिया मैंने फ्राई पैन। अब इसके अंदर हम 1 छोटी चम्मच यानी तेल डाल देंगे और इनको कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से रोस्ट। ज्यादा नहीं करने हैं, बिल्कुल हल्के से करने हैं। तो तिल हमारे अच्छी तरीके से रोस्ट हो गए, आप देख सकते हैं इसी तरीके से करने। अब इनको निकाल लूंगी और फिर चलते हैं मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं वापस से वही पैन ले लिया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मूंगफली। तो मूंगफली मैंने 1 छोटी कटोरी ली है और इसको भी रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास छिलके वाली है तो आप छिलके निकाल दें, मैंने बिना छिलके वाली ली है मूंगफली। तो मूंगफली हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है। अब इनको ठंडा कर लेंगे और फिर मूंगफली और तिल को दोनों को मैं दरदरा पीस लूंगी। तो ये ले लिया मैंने फ्राई पैन। फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल लिया, ऑयल 1 चम्मच लिया, इसको प्री हीट कर लिया है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे हींग और हींग को एक बार चला लेंगे इस तरीके से। तो हींग हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। तो ये मैंने 1 चम्मच लिया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम इसके अंदर भुनने देंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे प्याज। तो ये मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको अच्छी तरीके से कस कर लिया है और इसको भी हम पकने देंगे। इसको हल्का हमें पिंकिश ही पकने देना है, ज्यादा नहीं पकने देना है। तो प्याज हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, इसी तरीके से पिंकिश करनी है, ज्यादा नहीं पकानी हमें इसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले, ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर यानी 1 चम्मच, हम हरी मिर्ची डाल चुके हैं, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर धनिया पाउडर, तो ये मैंने 2 छोटी चम्मच लिया है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 छोटी चम्मच चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच हम अमचूर पाउडर डाल देंगे और 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो मसाले हमारे पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम डाल देंगे मूंगफली और तिल को जो हमने दरदरा पीसा था और इसको भी हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर पका लेंगे, जिससे कि मूंगफली और इसके अंदर सभी मसालों का टेस्ट आ जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से पक चुका है। अब गैस ऑफ कर दूंगी और मसाले को अच्छी तरीके से ठंडा होने दूंगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मसाला हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब लेंगे बैगन। बैगन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मसाला भर देंगे। तो इस तरीके से मसाला भर देना है कि चारों तरफ बैगन के मसाला अच्छी तरीके से भर जाए और खाने में ये काफी ज्यादा टेस्टी लगे। तो ये देखिए इस तरीके से मसाला भरना है। तो मैं सभी बैगन में मसाला भरकर तैयार कर लूंगी, फिर चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सभी बैगनों को मैंने अच्छी तरीके से भर लिया है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये ले ली मैंने कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर डाल दिया ऑयल। ऑयल के अंदर अब डाल देंगे, ऑयल हो चुका है हमारा गरम। तो अब एक एक करके हम सारे बैगन इसी के अंदर डाल देंगे। तो इनको कर देंगे मिक्स। तो अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है। तो सभी बैगनों को मैंने मिक्स कर दिया है। फिर इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पकने देंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे, ज्यादा हाई नहीं रखेंगे। तो बैगन को मैंने 3-4 बार चला लिया था। तो बैगन हमारे अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब मैं करूंगी इनको सर्व और उससे पहले अब इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा धनिया पत्ती। तो हमारे टेस्टी से यम्मी से देसी स्टाइल में बैगन बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर इसकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना।